यह पेंशनर का घर है, डीए एरियर नहीं तो वोट नहीं, वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। यह नोटिस उज्जैन के कई रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारियों ने अपने घर के बाहर लगा रखा है। नगर निगम और पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, इन सभी लोगों ने डीए और एरियर न मिलने पर चुनाव का बहिष्कार करते हुए नोटा का बटन दबाने का निर्णय लिया है। उज्जैन में करीब 30,000 गवर्नमेंट रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इन सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। रिटायरमेंट के बाद डीए और एरियर न मिलने से यह सब सरकार से खासे नाराज हैं। जो एरियर है ये नहीं देना शासक की बहुत बड़ी गलती है। शासक कभी भी ये शासक ऐसा है जो कर्मचारी हितेशी नहीं है, कर्मचारी विरोधी रहा है। ये जब जब ये शिवराज आया है तब तब इसने कमिश्नर का डीए खा लिया ये और एरियर भी खा लिया, ये ऐसी कहा था। जब कमलनाथ की सरकार आई 4% डीए उससे घोषणा करके और आदेश जारी कर दिया था, जैसे ही सरकार बदली और इसकी सरकार बनी इसने सबसे पहले इस आदेश को निरस्त किया। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप भगवान को समृद्धि दें और पेशकर जो आपके बहुत कठिन परिस्थिति में अपना जीवन परिवार का जीवन व्यापन कर रहे हैं उनके हित में निर्णय लेकर और सहानुभूति दिखाए, ऐसी हमें अपेक्षा है। और ये एक अच्छा अभियान है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे कई बार घरना, कई बार प्रदर्शन, कई बार हमने जो है वो कलेक्टर के माध्यम से सारी जगह से हमने इनको जो है हमारे एरियर के लिए या हमारे 36वां 30वां जो 27वां का एरियर है प्लस जो हमारा डीए 31% बार बार मनुवार करने के बाद भी नहीं घोषणा कर रहा है और हमारी घोर उपेक्षा और हमारा अपमान कर रहे हैं जो अब हमें बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब हमें जो है इसलिए सरकार का वो करना पड़ेगा और हम इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मतलब जो हमारे जल्दी इसकी घोषणा करें, अन्यथा फिर इसके परिणाम भी विपरीत हो सकते हैं। इसकी जवाबदारी शासन की होगी। धन्यवाद साथियों, आपके द्वारा पेंशन संघर्ष समिति द्वारा तय की गई योजना के अनुसार प्रत्येक घर पे जिस प्रकार से आपने बैनर लगाकर अपना प्रतिरोध सरकार के प्रति जाहिर किया है यह बड़ा प्रशंसनीय रहा है, जिसके परिणाम बड़े अच्छे प्राप्त हुए हैं। आपका इस सहयोग के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आपने जिस प्रकार यह कार्य अपने साथियों को उत्साहित किया और हर घर पे जो बैनर लगे हैं इसके कारण हमारे क्षेत्र के पार्षद उन्होंने जाके अपने विधायकों को इस क्षेत्र की जानकारी बताई और बताया कि अपना दर्द उन तक पहुंचाया, यह आप सबकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी क्रम में हमें पार्षद श्री संतोष व्यास जी ने भी इस विषय पर चर्चा कर अपनी बात अपना ज्ञापन श्री मोहन जी यादव शिक्षा मंत्री को दिया और ये कहा कि ये बातें अवश्य रूप से पहुंचेंगी, अन्यथा इसका परिणाम आगे निराशाजनक आने की संभावना है। हमने उन्हें कहा कि हम अपने बात पर अडिग हैं तथा अन्य पेंशन बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि ये पोस्टर अभी भी अपने घर पर लगाएं। हमें मीडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और जिन साथियों ने लगाया है उनकी का तो मैं बहुत आभारी हूं और जिनने नहीं लगाया हूं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बैनर को लगाएं ताकि हमारा संदेश उच्च पार्टी के प्रवक्ता एवं पार्टी के मुखिया के पास पहुंचे। हम पिछले कई शतक से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया,